हेलो दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या सन 2047 में, जब हमारा देश भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, उस समय सच में ये विकासशील भारत से विकसित भारत बन चुका होगा? जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, या ये सब केवल कोरी कल्पना है? आज हम डिटेल में इसी बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज विकासशील भारत में आपके द्वारा उठाया गया हर एक कदम विकसित भारत में आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करेगा। क्या है विकसित भारत के सही मायने? विकासशील भारत से विकसित भारत की यात्रा निश्चित ही बहुत लंबी, कठिन और चुनौतियों से भरी होगी, जहां व्यक्ति, समाज या सरकार के द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय देश को सदियों पीछे धकेल सकता है। इसीलिए बतौर भारतवासी हमें विकसित भारत का सही मतलब जानना बेहद जरूरी है। विकसित भारत का मतलब केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाना नहीं है, बल्कि विकसित भारत का मतलब है जहां हर भारतवासी का समुचित रूप से आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और तकनीकी विकास हुआ हो, जो उनके सारे एम्बिशंस को पूरा करता हो। ये कैसे हो सकता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में जानते हैं। अनेकता में एकता की भावना को बढ़ाना। भारत का इतिहास अनेकों साम्राज्यों, सभ्यताओं, विजयों और सांस्कृतिक उथल-पुथल से भरा हुआ है, जिसने यहां अनेकों विविधताओं को जन्म दिया है, जो कभी तो इंद्रधनुष की तरह बहुत ही सुंदर दिखते हैं, लेकिन कभी कभी यहीं पर धार्मिक दंगे, जातीय दंगे, इनइक्वेलिटी, अनटचेबिलिटी, रेसिज्म जैसे गंभीर अपराध का रूप लेकर इस देश के पूरे सिस्टम को हिला डालती है। इसलिए हमें अपने देश को महान बनाने के लिए अनेकता में एकता की भावना को बल देना होगा और सभी से मिलजुल कर रहना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर के विकास का विश्लेषण करके हम अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा और देश के प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हाल में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% की दर से बढ़ी है, जो पिछले 1.5 साल में सबसे तेज गति है। अगर भारत की जीडीपी इसी तरह 8% की दर से बढ़ती रही तो 2047 तक भारत 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत के आर्थिक परिदृश्य में इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडस्ट्रीज के विकास और ओवरऑल डेवलपमेंट में उनके योगदान को समझना सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत की इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट केवल 3.8% थी, जिसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इस पर और ध्यान देने की जरूरत है। सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में हमें एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और वेलफेयर स्कीम्स पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भारत की जनता को समृद्ध और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने शिक्षा में काफी सुधार किए हैं, लेकिन अब भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य केवल अच्छे मार्क्स और नौकरी पाना रहा है, जबकि उसका लक्ष्य मस्तिष्क का संपूर्ण विकास कर इंसान को इस योग्य बनाना होगा कि वो अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सके। स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश के युवाओं को आज स्किल डेवलपमेंट की सख्त आवश्यकता है। आज जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में करोड़ों लोगों की नौकरियां खा रही है, ऐसे समय में हमारे देश में बेरोजगारी से भी भयंकर समस्या स्किल की कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल मार्केट में प्रवेश करने वाले 1.5 करोड़ युवाओं में से 53% भारतीय युवा स्किल की कमी के कारण बड़ी कंपनियों में कोई नौकरी हासिल नहीं कर पाते। हेल्थ केयर। भारत की हेल्थ केयर सिस्टम कितनी चरमराई हुई है, ये आपने कोविड के समय देख लिया होगा, जब कई हॉस्पिटल्स के पास ऑक्सीजन और मरीज को सुलाने के लिए बेड तक नहीं थे। प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट और एलोपैथी दवाइयों का मनमाना दाम भी आम नागरिक की जेब को हल्का करती है, जो सीधे सीधे उसके निजी जीवन को प्रभावित कर उन्हें गरीबी और कर्ज के दलदल में धकेल देती है।
वेलफेयर स्कीम्स। भारत एक वेलफेयर स्टेट है जहां सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट की तमाम तरह की वेलफेयर स्कीम्स चलती रहती हैं। आज भारत के 97% लोगों के पास पानी के कनेक्शन है। भारत के लगभग सभी घरों में बिजली पहुंच गई है और स्वच्छता आंदोलन के तहत खुले में शौच से भी हमने मुक्ति पाई है। हाल के ही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम जल्द ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हर पैमाने पर सबसे आगे होंगे। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। मानव शरीर में जो स्थान खून का है वही स्थान देश की प्रगति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का है। आज भारत में हर रोज 28 किलोमीटर रोड बन रही है। तेज गति से ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। 2026 तक बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। सेमी कंडक्टर में भी भारत जल्दी ही लीड लेगा। भारत की UPI आज लोकल से ग्लोबल बन गई है और 100 से भी ज्यादा देश इसका प्रयोग करते हैं। आज AI को लेकर भारत के लोगों में अभूतपूर्व जागृति आई है। कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में भारत बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। नंबर 5, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज। भारत के पास सूरज, हवा, पानी आदि रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार है और देश के ग्रीनर फ्यूचर के लिए इन सब का उपयोग करने की शक्ति भी है, जिससे कम से कम प्रदूषण होगा और सभी भारतवासी स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज में तेजी लाकर भारत क्लीन एनर्जी के खेल में भी हीरे की तरह चमक सकता है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स। हिमालय के पर्वतों से लेकर गोवा के समुद्र तटों तक भारत में संरक्षण के लायक बहुत से स्टनिंग नेचुरल वंडर्स हैं, जो यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकता है, जिसे न केवल लाखों रोजगार पैदा होते हैं बल्कि एक व्यक्ति अंदर सारे देश के लोगों के प्रति एक अपनापन भी महसूस करता है, जो हमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, शानदार बाग और घने जंगल देखने को मिले। नंबर 7, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो आज भारत सरकार को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म करने की सख्त जरूरत है। आज चारों तरफ भ्रष्टाचार छाया हुआ है। आए दिन नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के घर से नोटों के बंडल बरामद होते रहते हैं। ब्यूरोक्रेटिक करप्शन के कारण आज सरकार की सैकड़ों योजनाएं विफल हो जाती हैं और कई वेलफेयर स्कीम्स जनता तक पहुंच ही नहीं पाती, जिससे एक ईमानदार टैक्स पेयर भी खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। इसीलिए एंटी करप्शन लॉ को कठोर कर सभी भ्रष्टाचारियों को कठोर से कठोर सजा अवश्य देनी चाहिए, ताकि सारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ सके और भारत एक एफिशिएंट गवर्नेंस वाला देश बन सके। नंबर 8, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। बॉलीवुड की फिल्मों की तरह भारत में आर्थिक असमानताएं और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गरीबी और गरीब एवं अमीर और अमीर बनता जा रहा है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का सारा वेल्थ कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह जाएगा। इन असमानताओं को सीधे तौर पर एड्रेस करके ही भारत अपनी सफलता की कहानी लिख सकता है। जहां अमीर हो या गरीब, हर किसी को अपनी सक्सेस स्टोरी बताने का मौका मिलेगा। नंबर 9, नेशन बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। किसी राष्ट्र का निर्माण केवल ईंटों या गारे से नहीं होता, ये सपनों को हकीकत में बदलने और एक ऐसे भविष्य को लिखने के बारे में है जहां हर भारतीय को शाइन करने का मौका मिले। राष्ट्र निर्माण की ठोस राजनीति तैयार करके भारत एक ऐसे कल का निर्माण कर सकता है जो दीपावली की रात के आकाश जैसा उज्जवल और होली के रंगों की तरह आकर्षक हो। नंबर 10, इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज। इंक्लूसिविटी आज हर प्रकार की उन्नति की नींव है। इसे साकार करने के लिए भारत को जी जान से जुट जाना चाहिए, तभी हम विकसित भारत के अपने लक्ष्य को 2047 तक पूरा कर सकते हैं। समावेशी विकास नीतियों को अपनाकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकास की ट्रेन सिर्फ स्टेशन से ना निकले बल्कि सभी को साथ लेकर भी चले।
अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि 2047 तक सच्चा विकास हासिल करने की भारत की आकांक्षा कई मोर्चों पर निरंतर प्रयासों पर निर्भर है। सबको साथ लेकर समावेशी विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने और शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तकनीकी इनोवेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर पूरे उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे आने वाली हर चुनौतियों का सामना करके भारत एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जहां समृद्धि, समानता और स्थिरता मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए वास्तव में विकसित भारत को आकार देगी। और 2047 तक विकसित भारत बनाने के हमारे संकल्प को पूरा करेंगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप भी विकसित भारत एम्बेसडर बनके राष्ट्र की उन्नति में योगदान देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और इस विषय पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।